जिला मुख्यालय धर्मशाला में जेवीटी प्रशिक्षुओं ने बीएड धारकों को जेवीटी भर्ती के लिए प्राप्त करने का विरोध जताया। जेवीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में एकत्रित होकर जेवीटी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में रैली निकाली तथा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार व राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब जेवीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार द्वारा सरकारी व निजी सरकारी संस्थान खोले गए हैं, तो बीएड धारकों को कैसे जेवीटी के लिए रखा जा रहा है। हर साल लगभग 5000 से ज्यादा युवा जेवीटी की ट्रेनिंग लेते हैं और बीएड व जेवीटी धारक दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कोर्ट में सही पक्ष नहीं रख रही है और अब तक केस को लगभग एक साल होने को है, पर सरकार हाई कोर्ट में जवाब देने में असफल हुई है। जेवीटी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि बीएड धारकों को प्रदेश सरकार की ओर से जेवीटी भर्ती के लिए पात्र किया गया है, जो कि गलत है। प्रदेश में जेवीटी के लिए 12 सरकारी संस्थान और 28 प्राइवेट कॉलेज हैं। हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है और गगर एयरपोर्ट के विस्तार का चर्चा भी शहर में खूब है और लोग इससे जहां खुश हैं तो वहीं कुछ लोग इससे नाराज भी हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि इसका विस्तार, ऐसे में बड़ी फ्लाइट को यहां कैसे उतारा जाए ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन विस्तार न हो इसके लिए आज गगर के लोग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और अपनी बात को रखा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने उनकी बात पर आश्वासन दिया है। लोगों का कहना है कि अगर इस एयरपोर्ट का विस्तार होता है तो उनकी जमीन चली जाएगी और उनके पास रहने को कुछ नहीं बचेगा। लेकिन लोगों ने जयराम को बताया है कि पहले उनको जमीन दी जाए और समय रहते उनको मकान बनाने का वक्त दिया जाए, न कि कहीं ऐसा न हो कि विस्थापितों की तरह आज तक अपनी जमीन का सपना ही देखते रह जाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किसी भी काम को रस्म का नाम नहीं देना चाहते। धर्मशाला में शीतकालीन प्रवास की प्रथा नहीं मानना और मेरा जब भी मन करेगा मैं कांगड़ा आऊंगा और फिलहाल अगले 3-4 दिन में कांगड़ा में ही रहने वाला हूं। दरअसल शीतकालीन सत्र में सरकार धर्मशाला में बैठती है और यहीं से सारे लोअर हिमाचल को कवर किया जाता है, चाहे चंबा जिला हो, हमीरपुर जिला हो या फिर ऊना जिला ही क्यों ना हो। इससे पहले कोई भी हो इस प्रथा को नहीं तोड़ा गया है, लेकिन पहली बार इस प्रथा को तोड़ा गया है। बार बार मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है। विकासखंड नूरपुर के तहत आती दर्शनों पंचायतें 14वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए आई राशि का अब तक माकूल उपयोग करने में फिसड्डी साबित हो रहा है, जिससे न केवल विकास के रथ का पहिया ठहरा हुआ है बल्कि उससे पैदा होने वाले रोजगार से भी लोग वंचित हो रहे हैं। लोगों में चर्चा इस बात को लेकर है कि उक्त राशि को खर्च करने की समय अवधि 31 मार्च तक ही है, जिसके चलते करीब 1.5 माह का ही समय बचा है। ऐसे में जो 10 माह तक उक्त राशि का सदुपयोग करने में असहाय रहे वे अगले कुछ दिनों में इस पर क्या कार्रवाई कर पाएंगे। नूरपुर ब्लॉक के तहत करीब 43 पंचायतें हैं, उनमें दर्जनों पंचायतों का हाल ये है कि उक्त बजट का 35 से 40% हिस्सा अब तक खर्च कर पाई है, जबकि 60 से 65% राशि का हिस्सा अभी भी शेष बचा हुआ है। हालांकि संबंधित विभाग के मंत्री व जिला प्रशासन द्वारा भी कड़े आदेश देने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नजर नहीं आया। किसकी जिम्मेदारी है इस बारे जब पंचायत प्रतिनिधियों से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा होने वाले विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए खंड विकास कार्यालय के तकनीकी स्टाफ की अधिकतर जरूरत रहती है। योजनाओं की फाइलें उन्हीं के द्वारा ही मरम्मत होती हैं। कुल मिलाकर अनेक जगहों पर आपसी तालमेल के अभाव के कारण न केवल विकास का पहिया रुका पड़ा है बल्कि उससे पैदा होने वाले रोजगार के साधनों के भी द्वार बंद पड़े हैं। इस विषय पर खंड विकास अधिकारी केसी नरियाल ने कहा कि पंचायतों का ये कहना है कि खंड विकास कार्यालय के तकनीकी स्टाफ की क्षमता को लेट लतीफी के कारण पंचायतों द्वारा भेजी गई योजनाओं की समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, ये कतई
सही बात नहीं है। जिन पंचायतों की योजनाएं विभाग के पास अप्रूव होने को पहुंची वे स्वीकृत भी हुई तथा उन पर धन खर्च भी किया गया है। सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल जहां महिलाओं को इलाज करवाने के लिए अक्सर शर्मसार होना पड़ता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल में ईसीजी और एक्सरे एक ही रूम में हो रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं को ईसीजी करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब कोई महिला ईसीजी करवा रही होती है तो हमेशा उन्हें यही डर बना रहता है कि कोई पुरुष एक्सरे के लिए कमरे में न आ जाए। नहीं, एक छोटा सा पर्दा ईसीजी रूम में लगाया गया है, लेकिन ये पर्दा कब कौन हटा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि महिलाएं अब ईसीजी करवाने से भी कतराने लगी हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जहां एक्सरे और ईसीजी एक कमरे में स्थापित हो, लेकिन सोलन अस्पताल प्रशासन न जाने क्यों नए नए प्रयोग कर रहा है और ईसीजी और एक्सरे को एक ही कमरे में लगा दिया है, जिसकी वजह से रोगियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषतः महिलाओं को ईसीजी करवाने में शर्मसार होने का भी सता रहा है।